स्थानीय शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 25 व 26 के स्थानीय माँ गायत्री शक्तिपीठ के सभागार में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और स्वराज्य वीरा जन्म सिद्ध अधिकार है के प्रणेता राष्ट्रनायक बाल गंगाधर तिलक जयंती राष्ट्रभक्ति जन कल्याण वार्ड व नगर विकास के जन संकल्प के साथ उल्लास और उत्साह पूर्वक मनाई गई, जहां सर्वप्रथम स्वतंत्रता को स्वतंत्रता में बदलने वाले माँ भारती के सच्चे सपूत शहीद चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक के पहले चित्र पर माल्यार्पण कर उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान चौक में शहीद चंद्रशेखर आजाद की आदमकद प्रतिमा के समक्ष वीरांजलि में 25 दीप प्रज्वलित कर भावांजलि व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी उपस्थित जनों ने शपथ लेकर घर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भारी संख्या में मौजूद वार्डवासियों समेत भाजपा जिला महामंत्री मौसम हरिन खेरे, जिला कोषाध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी, चित्तौड़ सिंह बिसेन, नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, पार्षद योगिता गोप के भारती ठाकुर ने आज़ादी के इन सच्चे नायकों के पद चिन्हों पर चलकर राष्ट्र की एकता अखंडता और अक्षणता को सदा सर्वदा बनाए रखने का संकल्प लिया। इस पावन अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री मौसम हरिन खेरे ने इन राष्ट्र पुरुषों के समर्पण, देश सेवा और बलिदान को याद करते हुए कहा कि शहीदों का त्याग हमारी अमूल्य पूंजी है, इसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हम गौरवशाली हैं कि हमें ऐसे महामानवों का सानिध्य और जयंती मनाने का अवसर मिला। इसे हमें जन सरोकार वार्ड नगर के समग्र विकास के लिए समर्पित करना होगा। माता के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आज शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती पर और बाल गंगाधर तिलक जी की जन्म जयंती पर उन्हें सादर नमस्कार करती हूँ। उन्हें बार बार नमन करते हुए हम आज हनुमान चौक के इस स्थल पे श्री चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिमा के समक्ष हमने जो 25 संकल्प जो वार्ड नंबर 25 की उन्नति के लिए हमने लिए थे, उसी संकल्प को लेकर हमने आज 25 दिए प्रज्वलित किए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 25 और 26 के सभी वार्डवासी, इसके अलावा नगर के सभी प्रभु सज्जन, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और सभी ने अपनी भावनाओं से श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। इस संदेश के साथ कि हम वीर चंद्रशेखर आजाद जी के संस्कारों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और देश और समाज की उन्नति के लिए ना सिर्फ हम आगे आए बल्कि हमारे समाज को भी हम आगे लाने में अपनी अग्रणी भूमिका अदा करें। भारत माता आज इस माँ भारती को आज़ादी दिलाने में शहीद जिन्होंने अपनी युवावस्था में अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे नगर के अध्यक्ष भाई सुरजीत सिंह ठाकुर, हमारे नवनियुक्त सभी हमारी पार्षद बहनें तथा भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उस वीर आत्मा को नमन करने के लिए यहाँ पर हनुमान चौक पर एकत्रित हुआ है। हम सबका संकल्प यह है, प्रण यही है कि जिन वीर शहीदों की प्राणों की आहुति के बाद हमें आज़ादी मिली, यह आज़ादी अक्षुण बनी रहे, आने वाले वर्षों तक युगों युगों तक भारत माता स्वतंत्र रहे और देश की एकता और अखंडता एक रहे, इसी यही हम सबका प्रयास है और परस्पर प्रेम और सद्भाव के साथ भारत शीर्ष पर हमेशा बना रहे, स्वस्थ भारत बने, समृद्ध भारत बने, शक्तिशाली भारत बने, वैभवशाली भारत बने और पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। बालाघाट से वीरेन श्रीवास की रिपोर्ट।